हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्यूब। मैं प्रियंका आपके साथ हर वक्त रहूंगा। फ्रेंड्स, अगर अभी आप यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट नहीं डालते हैं तो आपका वीडियो पे कोई भी एड्स नहीं होगा और आपका जो अर्निंग्स है, आपका जो रेवेन्यूज है, वो पूरा बंद हो जाएगा। तो उस वीडियो पे आप कोई भी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा साथ भी यही एक हुआ था। एक दिन सुबह उठ के मैं देखा कि मेरा वीडियो पे ऐड नहीं चल रहा है, मतलब वहाँ पे मेरा बोल रहे हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट नहीं है। मेरा पिछला जो एपिसोड का एक वीडियो है, वहाँ पे मैं बोला था यूट्यूब का हिडन फीचर्स के बारे में, तो वहाँ पे यूट्यूब बोल रहा था कि मेरा जो वीडियो का जो कंटेंट है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है और मेरा अर्निंग बंद हो गया था। और उसके बाद मैं उस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज किया और उसके बाद देखा कि वहाँ पे यूट्यूब का कुछ वर्ड्स है, तो जो वर्ड्स मैं वहाँ पे यूज किया था तो इसके लिए मेरा वीडियो बंद हो गया था। तो कौन सा वर्ड्स है जिसके लिए यूट्यूब आपका वीडियो का जो कंटेंट है उसको एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं बताते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ और कैसे आप इसमें से आप निकल सकते हैं, तो ये भी मैं इस वीडियो पे आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो एट द एंड, डोंट स्किप दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, और अगर सब्सक्राइब कर लेते सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल होते हैं वहाँ पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लिक करने से मेरा अपकमिंग जो वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपके मेल पे जरूर मिलकर रहेगा। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट अभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। यूट्यूब पूरा एकदम बिजनेस माइंडेड है और यूट्यूब के साथ जुड़े हुए जितने सारे एडवर्टाइजर्स है वो अगर देखते हैं कि आपका वीडियो का जो कंटेंट है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है तो आपका वीडियो पे कोई भी एड शो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा भी साथ यही हुआ था और मैं सुबह उठ के देखा कि आप मेरा वीडियो पे वहाँ पे येलो कलर का आइकॉन आ गया है और वो बोल रहे हैं, यूट्यूब बोल रहे हैं कि मेरा जो वीडियो है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं उसके बाद बहुत ही चिंतित हो गया और मैं सोचने लगा, बहुत देर तक सोचने लगा कि मेरा वीडियो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं बता रहे हैं। वहाँ पे तो मैं सिर्फ वहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में बताया और उसके बाद मैं देखा कि मेरा वीडियो पे एक वर्ड है जो है हिडन, तो हिडन फीचर्स मैं वहाँ पे लिखा था और उसके बाद टैग पे भी मैं हिडन लिखा था। तो इसके लिए मेरा जो हिडन है, हिडन जो कीवर्ड मतलब जो वर्ड्स है वो मैं यूज़ किया था मेरा कंटेंट मतलब मेरा वीडियो पे, तो इसके लिए मेरा वीडियो का जो कंटेंट है पूरा एडवर्टाइज नॉन एडवर्टाइज फ्रेंडली हो गया है। तो उसके बाद मैं उसको चेंज किया, उसको रिकवर किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे रिकवर किया। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे बहुत सारा वर्ड्स है जो वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं आपका वीडियोस पे, मतलब आपका जो मेटा डेटा होते हैं आपका वीडियोस का, तो वहाँ पे आप कभी भी कहीं भी जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे एडवर्टाइज फ्रेंडली कंटेंट कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था वो कुछ वर्ड्स के लिए हुआ था, मतलब ऐसा ऐसा वर्ड्स है जो वर्ड्स आप नहीं देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था, मैं पीसी में जाता हूँ और वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ और कैसे मैं सॉल्व किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जंप टू माय पीसी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी नॉट सुइटेबल फॉर मोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइजर दिखा रहा है, तो मैं एडिट पे जाता हूँ। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन सेक्शन है यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे येलो कलर का एक आइकॉन आ रहा है। तो मोनेटाइजेशन में क्या क्यों आया है यहाँ पे, मेरा जो टैग्स है टैग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आया है। और यहाँ पे जो मैं वर्ड यूज़ किया है हिडन वो उसमें ये उसीलिए यहाँ पे आया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे लिमिटेड नो एड्स ड्यू टू कंटेंट आइडेंटिफाइड, यहाँ पे बहुत कुछ दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ मेरा जो हिडन जो कीवर्ड है, यहाँ पे जब भी मैं चेंज करके यहाँ पे मैं बेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं बेस्ट कर दिया, बेस्ट फीचर्स यहाँ पे कर दिया। और इसमें देखिए, यहाँ पे जो मेरा जो टैग्स है, तो यहाँ पे हिडन फीचर ऑन यूट्यूब यहाँ पे टैग्स को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे नया टैग लगाता हूँ और इसको अभी सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो सेव करने के बाद मोनेटाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट मैनुअल रिव्यू जो होते हैं यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, और आपको क्या करना है, आपको वीडियो मैनेजर पे जाना है। पहले आपका वीडियो का सब कुछ ठीक कर लेंगे, उसके बाद आपको वीडियो मैनेजर पे जाके यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट करके आपका जो मोनेटाइजेशन सेक्शन है वहाँ पे ले जाएगा। अगर आपका वीडियो का सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन स्टेटस आपका ग्रीन दिखाएगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से वीडियो मैनेजर पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ग्रीन मेरा दिखा रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया है, मेरा वीडियो अभी एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैं कैसे उसको रिकवर किया और क्या मेरा प्रॉब्लम आया था। तो फ्रेंड्स, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अभी अगर आपका यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट डालना है, मतलब कोई भी वीडियो डालने से पहले आपको आपका वीडियो का जितना मेटा डेटा है तो वहाँ पे टैग्स और आपका टाइटल और आपका डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा का पूरा जितना सारा आपका मतलब कंटेंट होगा तो उसमें आपका बहुत ही सोच समझ के आपको, मतलब हर एक वर्ड को आपको सोच समझ के वहाँ पे डालना पड़ेगा। पहले आप आपका पूरा मेटा डेटा को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप पब्लिश कीजिए, और आपका जो कंटेंट है मतलब वीडियो का जो कंटेंट है वहाँ पे भी आप कोई भी मतलब गलत वर्ड या कोई भी कुछ भी मत डालिए। अगर कोई भी कुछ भी डाल देते हैं तो आपका मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है अभी यूट्यूब, तो अगर आप कोई भी गलत चीज़ आप डाल देते हैं वहाँ पे तो आपका वीडियो पे कोई भी एड शो नहीं होगा।
और आपका अर्निंग बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए और मेरा वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे प्लीज शेयर कीजिए। आपका अगर सेम प्रॉब्लम आया है या कुछ अलग सा प्रॉब्लम आया है तो अपने वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे प्लीज शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट्स का जवाब देने के लिए। और अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए फ्रेंड्स मेरा चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपका साथ फिर से हाजिर हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।